देखिए लखनऊ से खबर मिल रही है कि अपर्णा यादव के चुनाव लड़ने की हलचल तेज है। सदर क्षेत्र में अपर्णा की सक्रियता बढ़ी हुई देखी जा रही है। लखनऊ या आसपास की सीट से अपर्णा यादव चुनाव लड़ सकती हैं। तो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू जो कि अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं, अगला कदम क्या होगा, कहां से चुनाव लड़ सकती हैं, इस पर अभी सुगबुगाहट और संशय के बादल हैं। लेकिन उनकी सक्रियता देखी जा रही है लखनऊ में, तो अभी बस कयास लगाए जा रहे हैं कि लखनऊ या आसपास के क्षेत्र जिसमें सदर क्षेत्र में अपर्णा की सक्रियता के आधार पर बताया जा रहा है कि यहां से चुनाव लड़ सकती हैं और किस तरीके की सुगबुगाहट है, जानेंगे बलराम से। तो बलराम, अभी ग्राउंड पर क्या चल रहा है, क्या बातें सामने आ रही हैं? देखिए, जिस तरीके से अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव किसी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। और जिस तरीके से उनका सदर विधानसभा क्षेत्र में सक्रियता रही है पिछले कुछ सालों से, उसको लेकर के जो राजनीतिक विश्लेषण है वो यही बता रहे हैं कि अपर्णा यादव के लिए ये सीट जो है वो काफी ज्यादा महफूज है। क्योंकि अगर हम जातीय समीकरण की बात करें तो 2012 में जो यहाँ पर जातीय समीकरण था वो 14% यादव वोट था, 7% ब्राह्मण वोट था। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर काबिज है, और एक तरीके से ये भी माना जाता है कि जो सदर सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए काफी ज्यादा महफूज है, तो यही वजह है कि अपर्णा यादव को लेकर के यहाँ से कयास लगाया जा रहा है कि वो यहाँ से प्रत्याशी बन करके चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। लेकिन अभी लिस्ट जारी नहीं हुई है, ये अटकलों का दौर है, लेकिन उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कि कहीं ना कहीं जो अपर्णा यादव हैं वो लखनऊ के आसपास के जिले या लखनऊ की सदर विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन अब कुछ ही घंटे बाकी हैं प्रत्याशियों की लिस्ट सामने आने में, और उसके बाद क्लियर हो जाएगा कि अपर्णा यादव कहां से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जो सदर विधानसभा सीट है वो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के लिए महफूज है, क्योंकि लगातार उन्होंने पिछले कई सालों से वहां पर काम किया है, काफी सक्रिय उन्हें इस क्षेत्र में बलराम देखा जाता है। और अगर यहां से उन्हें प्रत्याशी उतारती है बीजेपी, तो देखना होगा क्या कमाल वे यहां बीजेपी में रहते हुए दिखा पाती है। बलराम, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।